चेहरे पे इनसे कहते पहले कमरा बुकिंग करा देंगे पहले तुम्हारे लिए स्पेशल तीन चार रूम के लिए तू कुछ कर तो कितना टाइम लगेगा ओए गॉड फिर ये बुकिंग करा देना नहीं कितना चार रूम फिर तू ये कह रहा था सलाम तामिल हो पैसे ले ले हाल हो रही यहाँ से ना तीन बार इसके हाथ में पानी देना ओम आचमनि अम्मह ओम आचमनि इसको हाथ धो ला दीजिए ओम हस्त प्रक्षालन पीछे हाथ धो लीजिए ओम मधुपुर के प्रतीक ताम ओम मधुपुर के प्रतीक राम ये इनके हाथ में पकड़ा दिया ये पानी है ओम मधुपुर को पति ग्रहणा में बोली मधुपुर पति ग्रहणा में इसको छोड़ दिया पानी से इसको देख लीजिए ऐसे तीन बार घुमा करके उठा दिया कर्ण में अस्तु कानों पे ओम बाहों में बल मस्तु बाहों में अस्तु टांगों में दोनों टांगों में इसके बाद सभी अंगों में ऐसे टच करके छोड़ देना ओम अरिष्ट मधुर थोड़ा थोड़ा चम्मच से पीलो तो तीन बार लगा लो नहीं खाएगा नमो Thank you.
पाधारगन धुरादन पुष्याम सर्वभूतानां तामेव ओम अशशाकु गुमतां यानी विता वस्तां ग्रह अशशाकु गुमतां यह माल्यात निशुगन निमाल चंद्रवामन सूर्य बांधो तो फिर बांधो द्वारा काम अपने घर पीछे कर दो बांध दे पहले कावड़े में लाख वाले तो लाए मसा एक बांध वाले कन्या दे दास परिधे ले लो एक ना इनके गोड़ पे यहाँ पैरों पे कंधे पे मोरी देना कंधे पे बस रख दो एक पैर पे एक अपने पैर पे एक अपने कंधे पे मानो जी तेरे आते हैं सामान लेकर आए एक बार देखना आते हैं क्या ये कपड़ा जो है ना जो है ना कांच निकाल के ऊपर से निकाल के तुम्हें सब बिल्कुल हटा दो ऐसे ऐसे नीचे हाँ ये कुछ विषय कपड़े के नीचे भी दूर में है पूरे पराम में हिम्मत है उल्टा हो जाएगा ना उल्टा हो जाएगा इसीलिए ये करा रहा हूँ बाद में फिर वो फिर जो हो जाएगा तो ये वो बम में बैठेंगे ना उधर ही पालो उधर ही पालो इधर बांधो ना ये
ओम दिव्याम रणोत्तम छंतत्तम यादिव वस्त्रम पस्त्रम यगो पवित्रम परमं पवित्रम गंधम दुरादन भूषाम सर्वभूषाणाम तामिह परिसमंद सुदिजे ओम दिव्याम रणोत्तम छंतत्तम यादिव गृहाण परमस्त्र कस्तूरी तिलकम ललाट वस्त्रले वेरु कड़े कंकणम सर्वांगे चिकंटी छोड़ दीजिए अशिषा कुकुमताम चंद्रमा मन सो जात चक्षु सूर्यो जात श्रोता द्वाश प्राणावगंधम द्वादन पुषम सर्वभूतानां तामिह पैषम इमारुद्राय तव शेख प्रेदने चेन्द्राय गुरुरामहेमसि पल्तस्तस्मान् पुण्णा संतो मनोरथाय इमारुद्राय तव शेख प्रेदने फूललियागिन माता का ध्यान कर रहा जी ओम अग्निना ना सुगंध अग्नि मुद्धारण साफ सकत हो नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा करो अब देखिए चम्मच उठा लीजिए चम्मच ऐसे ऐसे ये उंगली नहीं लगा चावल ले लीजिए हाथ में इसको चम्मच को रख दीजिए थोड़ा ओम यो हृदय पदृश जात गर्भयंतु सह या जाता सह जाने समान पतर्थ सरतु मुखो अब देखिए उठा सके इसको उसमें डालना है कि बस ऐसे थोड़ा सा चुस्कर तो वहाँ गिरा देना हल्का सा हाथ थोड़ा थोड़ा ऐसे फिर इसमें थोड़ा गिरा देना ठीक है ऐसे स्वाहिदम प्रजापति नमः ओम इंद्राय स्वाहिद्राय नमः इतधारो ओम अग्नि स्वाहाइदम अग्नि नमः ओम सुमाय स्वाहिदम सुमाय नमः यजुष्वित्रम सचुविश्रीवासुस्वाहिदम अग्निवरुणाभ्याम नमः ओम दमग्नवरुणाय नमः ओम आयुष्ये नमः दुनाभ्याताभ्या स्वाहिदमखिभ्यो नमः ओम हितोष विश्रखणि गंधर्वितम ब्रह्म चतुम्बातु चंद्रमसि नमः ओम याग संभूमाय नमः ओम याग संबुधाय नमः ओम याग सगुरुवे नमः ओम याग शंभु शुक्राय नमः ऋषि चंद्रगंध नक्षत्र भूकुरे नाम तभ्य स्वयदम नक्षत्रभ्यो स्वाहा ओम ईश्वर विश्व वैगंध जे नाम तभ्य स्वयदम स्वाहा ओम भुजे सर्वायुग गंधर्व सहितम ब्रह्मचित पातु तस्मे स्वावाटित भुजे स्वर्ण यज्ञ गंधर्व स्वाहा ओम भुजे स्वर्ण यज्ञ गंधर्व चतुर्मे तप्यम सदे वाचन स्वाहा ओम प्रजापति विश्वकर्मा आप भी उसको आँख बंद कर लें ठीक है ना थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके देखना नहीं है बिना देखे ही अंदाजा से जो भी जहाँ भी डाल देना आपको उसमें आहुति पड़ जाए ठीक है ना आप भी आँख बंद कर लेना स्वीतम मान प्रजागम ऋषोदय नाम स्वाहा नमः स्वाहा ओम गोविंद कुल वैष्णव मां कृष्ण को मैं बाद में नहीं बताया कि आपके बगल ये है तो उसमें डालने जब मैं बोलूंगा तीन बार उठा कर देना तीन तीन बार तीन बार देना जैसे
हाँ जी थोड़ा भी मेरी और नहीं अब आप लोग बहुत ज्यादा कन्वेंशन में साथ लेके चलते हैं बहुत बढ़िया पंडित जी को भी आशीर्वाद दे रहा भाई अब शादी होने के बाद हमेशा जो है पत्नी बांग अपने पति के बांग और बैठती है, ठीक है ना। पत्नी कहती है आपके मन में यदि कोई बात है, कोई ऐसी बात है तो मुझसे कह दीजिए। तो कन्या कहती है विवाह तान तथा लज्जा होम से नहीं होता, विवाह तो तब हुआ जाना जब सप्तति हो चुके हो। मेरे साथ वचन है, यदि यह आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग को आने को तैयार हूँ। तदंतर स्थान भाव कारण है धनम धान्यम च मिष्टानम व्यंजनान च यदि गृह मध्य दीनम यह कर्तव्य तथास्तु। हे वर, घर में जितना धन धान और मधुर पदार्थ और विविध भोजन आदि की वस्तुएं हैं जो कुछ लाए वह सब मुझे समर्पण करना होगा, मुझे देना होगा। और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन बाहर से आपको मिले वह घर में लाना है, घर से बाहर बिना विशेष कारण। अब जो है घर से पहले होते थे कि माता पिता को फोन कर दिए कि हम आज नहीं आएंगे, ऐसा वैसा जैसे भी, लेकिन अब बिना कारण कोई विशेष कारण न हो तो घर से बाहर विशेष कारण कभी सहन नहीं करना है और न भोजन करके आना है। ऐसा स्वीकार है तो मैं आपकी बाँ मांगाने को प्रथम पक्षलती हूँ। स्वीकार है चलता हूँ तेरा पद योग बलयुक्त बनावे। दूसरे पाठ में कन्या कहती मैं घर के सब काम काज करूँगी, सारा काम ये करेंगे, बिल्कुल आलस नहीं करेंगे। अगर आप आके बोलो अभी चाय बनाने की, तुरंत चाय बनाएंगे, कोई आलस नहीं करेंगे, सारा काम करेंगे, दासी की भांति रहेंगे, ठीक है ना, दासी की भांति रहेंगे। मीठा बोलूंगी, ससुर सास जेठ ननद आदि की आज्ञा का पालन करूंगी। स्वामी आपको स्मरण है कि आपको मेरे पति का कर्तव्य पालन करना होगा, ये सब कुछ सहेंगी, जैसे भी आप जो कहेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको इनका भी जैसे कोई चीज मांग हो तो आपको इनको करना पड़ेगा। मंजूर है आपको? तीसरे पद में कन्या कहती है मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला है और उन्होंने अग्नि के समीप पुरोहित गुरु और बुद्धिमान विशेषज्ञ संबंधियों के सामने मुझे संकल्प करके आपको दिया है। अभी इनके पिताजी ने संकल्प करके आपको दे दिया, ठीक है ना। इनका जाति गोत्र सब बदल गया, आपके गोत्र में हो गया। अभी जो साखो चार पैसे रख करके वो रुमाल रखे करवाए तो इनका गोत्र आपके गोत्र में मिल गया, सब कुछ इनका हो गया, ठीक है ना। अब सब कुछ इनका हो गया तो ये और लज्जा होम से सब कुछ हो गया। बुद्धिमान सगे संबंधियों के सामने मुझे संकल्प करके आपको दे दिया। मेरी जाति कुल गोत्र बदल गए हैं, सभी मेरे संबंधी सुख से रहें, मेरे में कोई बल नहीं है, आपके होते हुए मैं स्वामी वाली हूँ, आपको मेरा पालन करना होगा। मंजूर है? तीसरा। चौथे पद में कन्या कहती है कि मैं सब सुख दुख सहूंगी, कि मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन बोलूंगी। जैसे आप गुस्से में हो जाएंगे तो मैं मीठा बोलूंगी, जैसे कि आपके सुख के लिए भगवती गौरी जी का पूजन करूंगी, परंतु आपको मेरा पालन करना होगा। मंजूर है? पांचवे पद में कन्या कहती है आपको युवा से वृद्धावस्था तक, आपके युवा से वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करूं,
पालन करना होगा और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं, जैसे बार बार अगर मांग करे तो ऐसा नहीं कि गुस्से में वो ऐसा कुछ कर दे, जिसे नहीं बार बार इनकी बात को ध्यान से रखते हुए उचित मांग करूं, आप मुझे वही देंगे और बार बार मेरे मांगने से क्रोध न होना, बार बार मांगने से गुस्सा नहीं होना, ठीक है ना। समझाना है कि भाई आज नहीं कल करेंगे इस तरह का, लेकिन ऐसा नहीं गुस्सा होना है। मेरी यह प्रार्थना यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वहाँ मांगे होने को तैयार हूँ, मंजूर है। छठवां पद में कन्या कहती, हे स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंकड़ बांधकर मुझे दे दिया। कभी यह न कहना कि आपके संबंधी ने मुझे क्या दिया, एक साथ रहने से प्राय झगड़ा हो जाता है। सेवक के अपराध स्वामी कैसा संभव क्षमा करना है, जैसे इन के संबंधी सब कुछ आपके दास होंगे, जो कहेंगे दे दिया, ठीक है। जैसे अगर चार बर्तन रख दो तो उठाने में हिलाने में तो होता रहता, तो एक जगह प्राय अगर आदमी होता तो थोड़ा बहुत में होता है, तो ये पाप करते हैं तो आपको जो है आधा लगेगा। परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप के अर्ध भाग के आप भागीदार होंगे। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो मैं आपके वाह मांगने को तैयार हूँ। क्या स्वीकार है? हाँ जी बोलिए, मिटा दीजिए। नहीं अब इनके भी सत्य तथा प्रिय भाषण, हमेशा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, और मीठा बोलना है। क्रोध तथा आलस से रहित होकर मेरे वचनों को मानना है, कभी क्रोध नहीं करना है और आलस नहीं करना है। अगर ये ड्यूटी से आते कहते हैं नहीं, अगर रात को की 12 बजे की हमें चाय चाहिए तो बनाना है, ऐसा नहीं कि गुस्सा करना है। मेरे माता पिता तथा भगनी का प्रेम पूर्वक सत्कार करना है, इनके माता पिता जो भी इनके अतिथि हैं उनका सेवा सत्कार करना है। इन सभी गुणों को यदि तू मानती है तो मैं तेरा पालन करूंगा। बगीचे में शराबियों के स्थान पर न जाना, बिना कारण दूसरे के घर में कभी न जाना, तथा पर पुरुष के साथ कीड़ा करना, व्यर्थ गाना बजाना तथा हंसना आदि छोड़ना होगा। गृह के भीतर सुख दुख को मेरे साथ भोगती हुई स्थित होगी तो मैं अवश्य तुम्हारा और मेरी आज्ञा अनुसार चलती हूँ। चपतन्ना बहुराते जो सबसे पहले चमकीला तारा निकलता ध्रुव तारा, उनका ध्यान करना उपस्थित आप ही ध्रुव तारा का ध्यान करना। ओम ध्रुव मसीह ध्रुव, इनके माता पिता को बुला लीजिए जो भी गार्जियन है। आप चलो तुम्हारे समझ में आओ जैसे करते हैं। चलो तुम्हारे समझ में वो तले वो छुड़वाते हैं ना जब करवाते हैं हमारे, क्या जब वो तले वो पकड़ाते